हेलो फ्रेंड्स, अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 7A से। यहाँ पे दिया हुआ 2x-3 इज इक्वल टू 3/10 इंटू 5x-12। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा लेफ्ट साइड में, आ गया 10 इंटू 2x-3 इज इक्वल टू इधर पे 3 इंटू 5x-12। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 20x-10 इंटू 3 30 इज इक्वल टू 3 × 5 15x-3 × 12 36। नेक्स्ट क्या हो गया, 20x-15x राइट से आएगा, प्लस वाला डिजिट तो राइट लेफ्ट में होके माइनस हो जाएगा। इसी तरह से -36 इधर आया तो हो गया +30। यहाँ पे 20-15 5x बच गया, -36 + 30 माइनस होगा पर साइन माइनस का आ जाएगा, आ गया -6। अब एक्स हम यहीं रहने देंगे तो 5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आ जाएगा -6/5। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें इसे चेक करना है ये सही है या नहीं। तब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है हम उसमें पुट कर देंगे, जहाँ भी हमें एक्स मिलेगा उसकी जगह हम -6/5 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। यदि दोनों साइड हमारा बराबर आ जाएगा मीन्स हमारा आंसर सही है। तब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 2x-3, 2 × -6/5 -3 इधर हो जाएगा -12/5 -3 एलसीएम लेंगे 5 -12 -15/5 -12 और -15 प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 27। साइन आएगा माइनस का अपॉन 5, तो लेफ्ट साइड में आ गया -27/5। अब हम राइट साइड में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है 3/10 इंटू 5x-12, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया -6/5। तब क्या हो जाएगा, 5 × 5 ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा -6 - 12, -6 और -12 दोनों प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा -18। साइन माइनस का ही रहेगा, तब क्या हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा और 2 9 जा 18, यहाँ पे बचेगा -9 × 3 हो जाएगा -27, नीचे है अपॉन में 5, तो राइट साइड में भी क्या आ गया -27/5। इस तरह से क्या हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गया, जब हमने एक्स की जगह -6/5 पुट किया था। मीन्स ये हमारा आंसर जो है वो सही है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर चेक कर सकते हैं।